आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर भाजपा थानेसर मंडल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भाजपा जिला मंत्री रेणु खुक्कर के आवास पर किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में लोकसभा निगरानी कमेटी के चेयरमैन धर्मवीर डागर जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को प्रस्तुत किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके अलावा कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा की मौजूदगी में उनके नेतृत्व में मंडल के महामंत्री विवेक रावत, जगतार वर्मा, निगरानी कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र अग्रवाल, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल जांगड़ा, अंजू मदान, रजनी, महेंद्र राणा, रमेश शर्मा, भारत भूषण सिंगला, बंटी राजपूत आदि ने भी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में धर्मवीर डागर जी के विचारों को सुना। धर्मवीर डागर जी ने विस्तार पूर्वक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन संघर्ष के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जम्मू और कश्मीर में जाकर एक देश और दो निशान का विरोध किया और पहला इस देश का राजनीतिक बलिदान भी उन्होंने दिया। जब वहां पर इस चीज का विरोध करने कश्मीर के अंदर वे पहुंचे तो वहां की जो पुलिस थी उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें काफी यातनाएं दी और आज तक किसी को ये नहीं पता लगा कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। आज जो धारा 370 हटी है उसके अंदर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने ये लड़ाई तब लड़ी जब कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने भी आने वाले कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा और कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 23 जून को बलिदान दिवस से लेकर आगामी पूरे सप्ताह जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनके बारे में भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कार्यकर्ताओं से विस्तार पूर्वक चर्चा की और जानकारी दी।